प्रिया राय जेएनआई न्यूज की रिपोर्टर एंड एंकर जेएनआई जो कि सच्चाई के लिए लड़ता है और इंसाफ दिला के मानता है। जनता के लिए लड़ूंगा, इंसाफ के लिए लड़ूंगा, क्योंकि जनता की ही आवाज है मेरी पहचान। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर, जेएनआई न्यूज चैनल एंकर एंड मैनेजर। मनोज कुमार यादव, क्राइम ब्यूरो उत्तर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज, मैं हूं अजय। आज हम फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में पहुंचे हुए हैं। आइए यहां जानते हैं क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल सपा समर्थित लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं कि सपा की क्या स्थिति बन रही है यहाँ के दिग्गजों से। नमस्कार, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ खड़े हैं समाजवादी पार्टी के। क्या कुछ चल रहा है फूलपुर उपचुनाव में? आप मैं कमर आलम जिला समाजवादी पार्टी पंजाब का बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी बड़ी मजबूती चल रही है, पूरा पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है, बिल्कुल विजय श्री के करीब है। आपका क्या कहना है सर? इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी सहित जितनी भी पार्टी हैं वो सब मैदान से बाहर दिखाई दे रही, और निश्चित रूप से बड़े मजबूती से समाजवादी पार्टी के यहाँ बड़े पैमाने पर भारी अंतर से जीत होने जा रही है। आपका क्या कहना सर? इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं क्लियर कर पाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही शानदार तीन बार विधायक मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी को कैंडिडेट बनाया है, वो बहुत भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। केवल अब हम लोगों को वोट डालना है और रिजल्ट का इंतजार करना है। अभी टाइम है, हो सकता है कुश्ती में पहलवान को देख के अपना पहलवान उतारेगी। बस केवल उनके पास कोई पहलवान है ही नहीं, दो दिन का चुनाव नामांकन का समय बचा है, उनके पास कोई पहलवान मिल ही नहीं रहा है। अब दूसरे किसी विधानसभा से या जिले के दूसरे जनपद से कहीं से ले आएंगे। इलाहाबाद जनपद गंगा पार में उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है गंगा पार। आपका क्या कहना है सर? विधानसभा का चुनाव 2022 में भी हम जीते थे, उसमें हम लोगों के साथ बेईमानी कर दी गई। ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी तंके के चौक पर चुनाव जीत कर आ रही है। अभी हम लोगों ने 18,000 वोटों से पूर्व विधानसभा हराया है आपके सांसद महोदय को, भाजपा सांसद को, इसलिए फूलपुर चुनाव। अभी तो कैंडिडेट हमको नहीं दे पाएगी वो विधानसभा फूलपुर को, इसलिए हम निर्विरोध जा रहे हैं। आपका क्या कहना सर? चुनाव हम पूरी तरह से जीतेंगे, हम लोग समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे कि जीत रहे हैं? जीतेंगे, जीतेंगे, जीतने में कोई कोई कसर नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ से अपना विधायक चुन के नहीं, जितने भी वर्कर है पार्टी के नेता है, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आज तारीख है 21 और 25 तक नामांकन है। अभी तक सत्ता की पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई है, इसके पीछे क्या राज है इसको आप? आपका क्या कहना सर? इस बार हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, और मैं जिले का सचिव सुरेंद्र कुमार चौरसिया गंगा पार, इस बार हमारे समाज के सारे लोग समाजवादी पार्टी को एक मत से वोट डाली और हमारी पार्टी भारी बहुमत से विजयी बना होगा इस बार हमारी। आगे चलते हैं चुनावी हलचल और भी दिखाते हैं आपको क्या कुछ चल रहा है यहाँ सपा भाजपा बसपा के बीच में। अभी और दो लोग हैं शिक्षक सभा, इधर आइए उधर आज जरा इनका भी लीजिए, शिक्षक सभा के मंडल मंडल के प्रदेश प्रदेश। आपका क्या कहना है इस चुनाव में? इस चुनाव में हम लोग इतनी मजबूती के साथ लड़ेंगे, हमारी पूरी शिक्षक सभा समाजवादी पार्टी की उतर चुकी है, हम लोग जो है तन मन धन सब कुछ लगा के समाजवादी पार्टी की गोली में सीट को डालेंगे। माननीय मुस्तफा सिद्दीकी जी को हम लोग विधायक बनाए, धन्यवाद। ये लोग मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी की तरफ से दिलो जान से लगे हुए हैं, अब बता रहे हैं कि अगला विधायक हम लोग चुन के भेज रहे हैं, बाकी ये तो फैसला जनता जनार्दन आने वाले समय में कर रही है। आगे की हलचल आगे दिखाते हैं। अभी आपको मैंने पीछे दिखाया सहसों में क्या चल रहा है, सपा की क्या रणनीति है, चुनाव कैसे जीतेंगे, उसी पे फूलपुर में पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग उस जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है सपा में जीतने के लिए,
जोर आजमाई जो हो रही है, कहाँ तक ये लोग सफल होंगे, इन्हीं लोगों की जुबानी पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर संत लाल कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या कुछ चल रहा है सपा में, कैसे आप रणनीति बना रहे हैं? सपा में हम लोग जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी से आए हुए हैं। रणनीति ये है कि हमारा सपा से गठबंधन हुआ है जन अधिकार पार्टी का, तो हमारी रणनीति यह है कि हम जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सपा के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। काफी मतों से जीत रही है। आपका क्या कहना जन अधिकार पार्टी की? जन अधिकार पार्टी, आप जिला अध्यक्ष हैं? हम लोग जन अधिकार पार्टी। पहले आप नाम बताइए सर। हमारा नाम आनंद मौर्या, जिला अध्यक्ष गंगापार, जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी की तरफ से हमको आदेशित किया गया है पीडीए किनारे 85 किनारे के साथ हमारे माननीय भारी भारी लोगों को न्याय दिलाना है, और हम अपने समाज का, मौर्या समाज का, कुशवाहा समाज का जितना भी भरसक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से 18,000 से हम लोग लोकसभा में जीते, कम से कम 36,000 हम विधानसभा में जीते। आइए ले चलते हैं यहाँ के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी जी के पास। अभी हमने बोला था सपा के एक प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी जी हैं। अभी हमने पीछे आपको सहसो फूलपुर की हलचल दिखाया। आइए यहाँ सपा के पीडीए समर्थित प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी जी से साइकिल कैसे दौड़ाएंगे जानते हैं। सर नमस्ते। साइकिल दौड़ेगी ना? बहुत तेजी से दौड़ रही है। दौड़ेगी नहीं, दौड़ रही है। दौड़ रही है, दौड़ेगी। विजय श्री का इंतजार किया जाए? विजय श्री का मिठाई के साथ इंतजार कीजिए। मिठाई के साथ। सर ये साइकिल किसके, किनके किनके दम पे दौड़ेगी, मतलब आपके कार्यकर्ता वोटर? जाहिर है बिना कार्यकर्ता वोटर होता है, कार्यकर्ता ही हमारे ऋण भरती है। कार्यकर्ता के द्वारा जितनी मेहनत की आप देख रहे हैं, मेहनत जी साहब। आपसे और एक सवाल, आगे दीपावली का त्यौहार है सर, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? बोलो संदेश है बढ़िया ढंग से। दिवाली जैसे आज हम 50 साल देख रहे हैं, लोग मनाते हैं आपस भाईचारा बना के, खुश ही दिवाली मनाओ। दिवाली का सारा जैसे मना रहे हैं, आज तक करते हुए कुछ नहीं देखा, उसी तरीके से इस बार और खुशी से मनाए कि फूल को मिला के कोई आदमी विधायक बनने जा रहा है।
कितनी अच्छी बात कही कि फूलपुर का कोई व्यक्ति विधायक बनने जा रहा है। गंगा जमुनी तहजीब को फूलपुर ने हमेशा देखा है, उसी तरह त्यौहार मनाए। इसी के साथ धन्यवाद, मैं अजय अपने सहयोगी होरीलाल प्रजापति के साथ।